क्या भैया, बचपन से पानी पूरी खा रही हूँ पर आजकल की पानी पूरी में तो मजा ही नहीं आ रहा है। अरे क्या है ना मैडम, आजकल हाइजीन मेंटेन करना पड़ती है, ग्लव्स ग्लव्स पहन के बनाते हैं इसीलिए। बेबी चलो मुझे शॉपिंग कराओ ना। बेबी अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, तो मेरी जब सैलरी आएगी ना तो मैं आपको शॉपिंग करा दूंगा। अभी ना मुझे पानी की प्यास लग रही है, चलो अपन पानी पीते हैं। भैया एक पानी की बोतल देना। ये लो। कितने की है? 20 रुपए। मेरे पास में 20 ही रुपए थे। लो भाई साहब। ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हारे पास में तो 20 रुपए थे ना। ये तो मेरे को मम्मी ने दिए थे बैंक में जमा करने। 20 रुपए है वैसे मेरे पास। ये मुझे पापा ने दिए थे, वो पापा के कुछ दोस्त आ रहे थे ना तो उन्होंने बोला था कि दारू ले आना। मेरे पास 20 रुपए है। लो भैया। अब ये? ये दीदी ने दिए थे, उन्हें बोला था कि मार्केट से कुछ सब्जी लेते आना। 20 रुपए है मेरे पास। लो भैया। ये वाले भी किसी ने दिए होंगे। ये वाले पैसे? इतने सारे पैसे होने के बाद भी मेरी शॉपिंग के लिए पैसे नहीं है तेरे पास? चिंदी ब्रेकअप। भैया पानी की बोतल दो यार तुम। ये लो पैसे। अरे भाई तू ठीक तो है ना यार? हाँ भाई। अरे बैठ 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 बैठ, बुखार बुखार तो नहीं आया? अरे नहीं भाई। बता, बता। भाई तेरा हाथ दिखा, दिखा। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ तेरा? अरे नहीं भाई, क्या हुआ क्या हुआ? तो भाई तूने मुझे 3 दिन से रेल क्यों नहीं भेजी यार? बता ना, तेरे बता तू ठीक है यार? बेबी मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं, चाय या कॉफी? क्या बात है, इतना प्यार जता रही हो, शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए क्या तुम्हें? बेबी मुझे ना रियलाइज हो गया है कि मैं आपको बहुत तंग करती हूँ, बहुत दुखी करती हूँ। आज के बाद मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आप मुझे बोलोगे कि पानी तो मैं जूस दूंगी, आप बोलोगे चाय तो कॉफी, अगर आप कहोगे रोटी तो मैं आपको दूंगी पराठा। तो सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हें सारे काम उल्टा ही करने हैं, मेरी एक नहीं चलने देनी। और भाई कैसा है? बस बढ़िया मेरे भाई। बेबी तुम्हारा नाश्ता हो गया, आकर नाश्ता ले लो। भाई जा तेरी भाभी से मेरा नाश्ता लिया यार। ठीक है भाई। हाय बेबी। अरे तुम पागल हो क्या बेबी, मेरा पति बैठा है सामने, वो देख लेगा तो? बेबी तुम्हारा पति अपन दो प्यार करने वालों के बीच आ रहा है, इसे रास्ते से हटाने का कुछ करो। बेबी उसे रास्ते से हटाने की तैयारी मैंने कर ली है, आप पहले उसे नाश्ता देकर आओ फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। ठीक है। ये लो। साला दूध पिएगा? दूध तो मैं पीऊंगा। ये ले भाई तेरा नाश्ता। बेबी बताओ तुमने उसे रास्ते से हटाने के लिए क्या सोचा है? बेबी वो बस 2 मिनट में मरने वाला है। 2 मिनट में? पर कैसे? क्योंकि मैंने उसके दूध में जहर मिला दिया था। मुझे वॉशरूम जाना है। बेबी मैं वॉशरूम होके आया। यार उसको देख के मेरे को भी बहुत जोर से आ गई, मैं भी आया भाई। हाँ आ रहा हूँ लेके। अरे हक दिया दोनों ने, पानी देके आ रहा हूँ दोनों को। कितनी देर लगा दी यार, जल्दी बैठो। मेरा पेट फिर से दुख रहा है भाई, गाड़ी रोकना यार, मेरा भी पेट खराब हो रहा, मैं भी आता हूँ। मैं पानी देकर के आता हूँ। अरे रुक, पानी मैं देकर के आ रही हूँ। अरे विशाल पानी की बोतल लेके आ रहे जल्दी। निकल गई चट्टी, चलो। ए अंधी क्या? हाँ भैया अंधी हूँ मैं। भैया एक प्लेट पानी पूरी लगा देना। हाँ मैडम ये लो। भैया पैसे कितने हुए? 100 रुपए हुए मैडम। भैया मुझे तो दिखता नहीं है, इसमें से 100 का नोट जो भी होगा निकाल लेना। अरे ये तो अंधी है, 2000 का नोट निकाल लेता हूँ। ठीक है मैडम हो गया। थैंक यू भैया। अबे क्या देख रही है? अच्छा बेटा मैंने सब देख लिया है, वो अंधी को लूटा ना तूने, ला दे पैसे निकाल। हाँ देरी आओ रुक जा। Oh, no. ये ले। चल निकल निकल। चलो 1000 रुपए तो मिले। अरे कहाँ इतनी देर कर दी, लूट लाया साले से 1000 रुपए। अच्छा दिखाया नकली नोट तूने उसको।
ना मोहब्बत होगी ना मोहब्बत की बात होगी, ना मोहब्बत होगी ना मोहब्बत की बात होगी। गेहूं आ रहे कटाई, अब जो बात होगी गेहूं कटाई के बाद होगी। खत्म ही कर दिया मैटर। सुहेल भाई मजा आ गया यार। क्या हो गया? अब पेट्रोल सस्ता हो गया भाई। अबे पेट्रोल कितना भी सस्ता हो जा, तू डलवागा 40 का ही। 40 या 30 यार तू जलील करेगा रहा है तू। पैसे ज्यादा डलवाया तूने कभी आज तक? राजिका हाँ, अब गर्मियां आ गई हैं, तुम्हें अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, कम से कम खाना खाना है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और अपना सर धूप में बिल्कुल नहीं निकालना है। लेकिन क्यों? वो भूसे माग बहुत जल्दी लगती है ना। तो तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे सर में भूसा भरा हुआ है? और भूसा तो है ही, बहुत जल्दी आग लग जाएगी, ध्यान रखियो। हाँ पापा। अरे नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, बहुत छोटी सी खरोच आई है कार में। अरे नहीं नहीं वो तो अपन जैसे कलर करवाएंगे ना पेंट, उससे ठीक हो जाएगी। अरे हाँ अंकल आप टेंशन मत लो, बहुत छोटी घर हो चे। अब देख के नहीं चला सकता क्या? ऐसे ही चलाऊंगा बोल, मेरे बाप ने दिलवाई है। अच्छा बाप ने? तो हमारा ने भी ये दिलवा रखी है, बता चलाऊं? ना ना भाई गलती होगी। अबे तू मेरा इतना मजाक क्यों उड़ाती है? क्योंकि मेरे पास उतारने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है ना, इसलिए। गाइज एक पल के लिए दुनिया इधर से उधर हो सकती है, पर इनके जैसे दोस्त अपने पैसों से कुछ खिला दे ये कभी नहीं हो सकता। ये तो शास्त्रों में ही नहीं लिखा पड़ा भाई, है ना? भूख लग रही ना तेरे को फिर से? ओहो मैडम आई लव यू। तो फिर मैं ना समझू? कितना बड़ा नीचा है तू, इतना पिटने के बाद भी पूछ रहा है? वो मेरे पापा ने सिखाया ना बेटे, कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। जा चला जा यहाँ से, ना तो अभी तो कम मारा और मारूंगी, भैया बुला लूंगी अपना। देखिए हो जाओ ना, जा रहा है यहाँ से नहीं। तुम तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे? माय लॉर्ड मेरा यकीन कीजिए, मैं गाड़ी आस्ता चला रहा था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम गाड़ी आस्ता चला रहे थे? मिलोड मैं अपनी बीवी को मायके से लेने जा रहा था। फ्रेंड्स है तुम्हारी? एक भी नहीं। क्या मिलता है तुम्हें झूठ बोलकर? एक और गर्लफ्रेंड। उसके चेहरे पे मोहब्बत की तड़प आज भी है, उसको हालात मेरे प्यार पे शक आज भी है, और नाव में बैठ के धोई थी जब गांड उसने सारे तालाब में टट्टी की महक आज भी है, सारे तालाब में टट्टी की महक आज भी है, सारे तालाब में टट्टी की। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। चिमड़ी मेरे पति आ गया। अरे मेरी टी-शर्ट कहाँ है? अरे तुम टी-शर्ट छोड़ो, भागो जल्दी। बेबी इधर कोई आया था ना मेरे पीछे से? नहीं। फिर ये टी-शर्ट किसकी है? ये तो मैं आपके लिए लाई थी जारा से। अबे साले तू नहीं सुधरेगा है ना, चल। ओए देख तुम्हारा भाई नहीं जारा की टी शर्ट लेके आया है। साले तुम तो फिर भी फकीर ही रहोगे ना, ये कपड़े भी नहीं है। जारा।